तो बच्चों, करीब 1.5 साल पहले जब हमने YouTube पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो आप लोग किस क्लास में थे? सिक्स में थे ना, अभी 7 में हैं। तब हमने सोचा था, ये सोच के नहीं कि हाँ मुझे YouTube से पैसे पैदा करने हैं, ये सोच कर कि लोग कहते हैं कि नहीं, इस सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, नहीं होती है ना, तो और लोगों को प्रेरणा देने के लिए और आप लोगों को, जो लोग जैसे स्कूल नहीं, जिस दिन आ पाते हैं, उन लोगों के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसमें जो हम वीडियोस डालते जो आपको पढ़ाते थे। तो मैंने सोचा था कि जब इसकी पहली पेमेंट आएगी, या अगर मेरा कभी चलता है या कुछ भी पैसा आया, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के हित में ही हम लगाएंगे। और सबसे पहले सोचा था, मतलब ये भी नहीं मतलब था, पता था कि हाँ कभी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये चीज सोची थी कि हाँ ये आपके स्कूल में हम करवाएंगे, है ना। आप लोगों से कहा भी था हमने, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, 1.5 साल के बाद में जब YouTube से पेमेंट आया, तो सबसे पहले हमने आपके स्कूल में वही काम करवाया, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखें क्या हमने करवाया स्कूल में आपके। तो ये रहा वाइट बोर्ड जो मैं स्कूल के 6th 7th और 8th में लगवाऊंगी। मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि अगर मेरा चैनल चलता है और इससे अगर कोई अर्निंग होती है, तो सबसे पहले मैं बच्चों के क्लास में, तीनों क्लास में वाइट बोर्ड लगवाऊंगी। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है कि वाइट बोर्ड है, कितना गंदा लग रहा है, बीच में पिलर है, किसने बनवाया। तो मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले मैं बोर्ड ही लगवाऊंगी, उसके बाद दूसरा काम करूंगी। तो ये देखिए 6 में है, ये भैया काफ़ी दूर से आए थे क्योंकि कोई भी मिल नहीं रहा था ड्रिल वाला जो बोर्ड लगा सके। 10-12 दिन हो गए थे बोर्ड रखे हुए, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये भैया मिले थे जो काफ़ी दूर से आए थे। तो फाइनली हमारे जो क्लासेस हैं उनमें वाइट बोर्ड लग रहा था, बच्चे भी काफ़ी खुश थे और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए इतने ज़्यादा बच्चों को मैं खुशी लग रही थी, डोलू भी देखिए बैठी हुई है, बहुत खुशी होती है जब आप अपने तरफ से कुछ बच्चों के लिए करते हैं। ये देखिए सर भी खड़े हुए देख रहे थे। और मैं इसके बाद में बताऊंगी कि मैंने जब बोर्ड लगा तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे क्या लिखा और बच्चों से क्या कहा, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैंने ये जो इतना सा वीडियो था, ये अपनी बात आवाज़ में इसलिए बाद में रिकॉर्ड किया क्योंकि वहाँ पे ड्रिल चला रहे थे भैया और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आती, इसलिए ये मैंने बाद में बनाया। ये क्लास 7th और 8th क्लास में बड़े लगे हुए हैं, 6th में थोड़ा सा छोटा है। और ये देखिए बच्चे तो देखिए बच्चों कितने दिनों बाद लग पाया है ना बोर्ड, कम से कम 10 दिन हो गए होंगे रखे, है ना। और ऑर्डर हमने पता है कब दिया था, कम से कम 20 दिन हो गए होंगे, 8-6-7 दिन बाद तो ऑर्डर पे मिला था ये हमको, ठीक है। और यहाँ एक तो गांव में कोई मिल नहीं रहा था लगवाने के लिए, तो इतनी मुश्किल से ये आपके यहाँ बोर्ड लग पाया है ड्रिल वाला, है ना। तो ये बच्चों जब 1.5 साल पहले हमने जब यूट्यूब चैनल बनाया था आप लोग साथ में, हमें पता भी नहीं था कि हमारा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तब आप लोग किसमें थे? 7th में थे, है ना। तब ये पता भी नहीं था कि चलेगा चैनल कि नहीं चलेगा, लेकिन हमने तब भी ये सोचा था कि अगर चलता है, अगर कुछ पैसे आते हैं शुरुआत में, तो सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड की जो हालत थी खराब थी, है ना, कई लोग टोकते थे वीडियो पे भी, लोग कमेंट करते थे कैसा बोर्ड है, बीच में पिलर है ना, मानक के अनुरूप नहीं है। तो हमने ये सोचा था कि सबसे पहले जो पेमेंट आएगी मेरी यूट्यूब से, उसमें आपके लिए बोर्ड लगवाएंगे। इसलिए आज वो दिन आ गया जब 6th 7th 8th तीनों क्लास में आपका व्हाइट बोर्ड लग गया है ना। तो सबसे पहले भाई कोई नई चीज आती तो क्या करते हैं, है? क्या बनाते हैं आप लोग बताइए। क्या बना रहे हैं बताइए आप लोग, क्या बन रहा है? लड़कियों बताइए क्या है ये, स्वास्तिक है कि नहीं है, है ना। अभी तो जब तक आप लोग 8th में हैं इसी पढ़ेंगे आप लोग, है ना।
और इसके लिए एक मार्कर भी ले आए हैं सभी क्लास के लिए, और ये इसका डस्टर है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हाँ एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि जब क्लास में कोई टीचर नहीं हुआ, अगर डस्टर वाला नहीं, ब्लैक बोर्ड वाला नहीं, तो इससे मिटाल दिया ना, तो ये खराब हो जाएगा कि नहीं खराब हो जाएगा। आपकी चीज है, आप ही को ध्यान रखना है ना। तो ये मार्कर है। अब आप जैसे हम छोटे थे, हम आपको हम लोग बताया जब हम कोई नई चीज लाते थे, नई चीज नहीं मतलब नई कॉपी खूब अच्छी सी है ना, तो बहुत खुशी होती थी कि नई कॉपी आई, नया रजिस्टर आया है, या नई बुक आती थी, बुक में तो नहीं लेकिन कॉपी या फिर रजिस्टर मिलता था या आता था, तो उस पर हम एक चीज लिखते थे। वही हम आज इस पे लिखने जा रहे हैं। इन्हीं से हम शुरुआत करते थे। सबसे पहले कॉपी का जो पहला पेज था उस पे ओम लिखते थे, उसके बाद अपना नाम डालते थे, उसके बाद कुछ लिखना शुरू करते थे, है ना। क्योंकि अच्छी अगर शुरुआत करो किसी चीज की तो अच्छा ही होता है आगे, है ना।